राख रंग का ये जो गेट है, सफेद ये जो दीवार है, अंदर में एक विजेंद्र सिंह भैया हमारे साथ हैं। विजेंद्र भैया, किसका है ये वाला फार्म हाउस, किसका है ये वाला? पहले तो बिजमान सिंह का था, अभी कोई दूसरा कोई ले लिया, कोई दूसरा कोई लिया है। आप यहाँ केयर टेकर है ना? अभी हम लोग का काम चल रहा है, लेबर मिस्त्री। लेबर मिस्त्री का काम, लेबर मिस्त्री। कोई आता होता है यहाँ पे? कभी कभी आता है, कोई आता है। इसका जो मालिक है उसके ईडी का छापा पड़ा है, कोई जानकारी है आपको? नहीं तो नहीं। अच्छा, अंदर से हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए ना। हम लोग भाई सब फार्म हाउस नहीं देखेंगे। नहीं तो अंदर से बात खोलेंगे, इसमें कांच खोलेंगे, इसमें नहीं दिखेगा। अच्छा, यहीं से पिंटू दिखाइए ना, अंदर थोड़ा सा हटिए ना, हम लोग तस्वीर दिखाएंगे। इसमें से दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए ये तस्वीर, आप ऐसे फार्म हाउस नहीं देखा होगा आपने। पिंटू इधर से दिखाइए तस्वीर, यहाँ से और अच्छी तस्वीर दिखेगी। देखिए हम आपको इस छेदा में से दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको ये तस्वीर दिखेगी। 8 एकड़ इसका रकबा है। दीपक मेरे साथ सहयोगी, दीपक कुछ खासियत बताइए। बड़ा सुंदर फार्म हाउस दिख रहा है। ये शशिभूषण सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से खरीदा है जमीन, गीता देवी के नाम से, और सादेव जी के फैमिली हैं, उनसे ये जमीन ली गई है। काफ़ी 2004-5 में ये जमीन खरीदी गई है। और ये जो आप देख रहे हैं रंग रोगन और जो ऊंचा किया हुआ बाउंड्री, ये इचाक का ईंटा है। अब ये बहुत अच्छी बात दिखाइए पिंटू, ये दीवार दिखाइए। देखिए ये जो दीवार है, बड़ा इंटरेस्टिंग दीवार है। आप देखिए इस छोटे से जगह से आपको ये पेड़ दिख रहे होंगे सफेद सफेद, बड़ा सुंदर सुंदर। और ये बिजेंद्र भाई साहब आपको गुजरते हुए मजदूर दिख रहे होंगे। एक बार इधर दिखाइए पिंटू, उसके बाद फोकस करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए ये दीवार, देखिए ये जो दीवार है, इसमें जो ईंट लगी हुई है, ये ईंट इचाक की है। इचाक कौन सी जगह है? जहाँ गोविंदपुर जाने से पहले शशिभूषण सिंह जो है वो CEO थे। इचाक में इन्होंने जमीन का इतना खेल किया, इसी को लेकर के अभी छापा पड़ रहा है ईडी का इनके आवास पर। आपको मैं बता रहा हूँ, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरबों के मालिक हैं। सिर्फ ये जमीन मुझे लगता है दीपक कितने की, सिर्फ इस जमीन का वर्थ कितना? 2004-5 में जब जमीन ली गई थी तो कुछ 1.5 लाख रुपया। ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो वाला है? अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ तो ये उस समय 1,40,000 रुपये के रेट में खरीदी गई थी। और जो ये जो भाई साहब बता रहे हैं, ब्रजेंद्र भाई साहब, वो बोल रहे हैं कि वो वाला प्लॉट है। वो भी दिखाते हैं शशिभूषण, आइए आपको और तस्वीर आप लोगों को दिखा देते हैं, आपको मजा आ जाएगा। मतलब अरे भाई देखिए ऐसा है कि एक झारखंडी की पूरी जिंदगी जो है ना, खेत में मेहनत करते करते हर जोतते, हम लोग कहते हैं हर जोतते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन शशिभूषण सिंह जैसे कुछ लोग आते हैं और वो आ करके ऐसे जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं अपने नाम पर नहीं, पत्नी के नाम पर। देखिए ये वाली जो दीवार है, कहा जा रहा है कि ये वाला शशिभूषण सिंह का है। अब हमें तो ये वाला प्लॉट के बारे में पता था, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि ये वाला प्लॉट है, तो हम इसको भी दिखाते हैं आपको। आप देखिए इसमें भी तस्वीर आपको दिखेगी, बड़ी सुंदर सी, यहाँ पर सुंदर सा गेट लगा हुआ है, एक फार्म हाउस यहाँ भी बना हुआ है। 8 एकड़ इसका रकबा जो है वो बताया जा रहा है। ताला वाला तो नहीं लगा हुआ इसमें, एक बार कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त सा फार्म हाउस बना हुआ है, हालांकि ये भी एक फार्म हाउस है, कोई है नहीं यहाँ पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग दिखे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। सारा जो गेट है वो बंद है। भैया ये शशिभूषण सिंह का है, शशिभूषण जी का है ना फार्म हाउस? किसके नाम से है ये फार्म हाउस? कि पत्नी के नाम से है? आप केयर टेकर हैं यहाँ के? क्या नाम है बाबू? आनंद। पूरा नाम? आनंद साय। आनंद साय, अरे आप तो झारखंडी आदमी है जी, हैं क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ साग सब्जी जो लगा हुआ है देख रेख करते हैं। बॉस आपका मालिक के यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, पता है आपको? नहीं पता है। ईडी जानते हैं कहाँ का? नहीं। देखिए ये मेरे झारखंडी भाई है, कोई नहीं, कहाँ के रहने वाले? मैं जसपुर का। जसपुर के हैं, चलिए। तो ये देखिए हम लोग इसी तरीके के लोग होते हैं, बारा हम लोग थोड़ा सा देखे कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ खेती है ना, है कि नहीं? तो देखिए ये देख सकते हैं आप, ये बाकायदा यहाँ पर खेती है। बड़ा सुंदर सा ये फार्म हाउस बनाया गया है। तो ये वाला फार्म हाउस जो है, ये बताया जा रहा है कि ये शशिभूषण जी का है, बहुत शानदार सा फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस जो है, आप लोग यहाँ रहते हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? एक मिनट आइए थोड़ा सा, क्या नाम हुआ भैया आपका? हिमांशु पटेल जी। शशिभूषण जी का है ये जी, जो CEO है। हाँ उन्हीं का है ना, तो आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे वो नहीं आते हैं, मतलब उनके जो लड़के हैं वो आते हैं, खेती होती है। उनका लड़का तो स्विट्जरलैंड में नहीं है, वो पढ़ाई करते थे, अभी एक्चुअली यहाँ पे हैं। काफी देख रेख करते हैं ना,
चलिए, क्या क्या खेती लगी हुई है? अभी तो अंदर में हम लोग बेसिल कर रहे हैं, इटालियन बेसिल जो होता है वो कर रहे हैं। बेसिल मतलब धनिया? नहीं नहीं, स्वीट बेसिल, जैसे जो मीठी तुलसी होती है ना। अच्छा, वो है मतलब तुलसी। अब हम लोग वो है हाइड्रोपोनिकली कर रहे हैं, ये एक नया टेक्निक है, जैसे कि सॉइललेस फार्मिंग का कंसेप्ट है एक उस पे। बहुत बहुत अच्छा। तो देख लीजिए इस तरीके के 8 एकड़ का ये प्लॉट है ना, तो 1.5 एकड़ है लगभग, 1.5 या 1 एकड़ के आसपास है। तो देखिए मैं ग्राम होटवासी, इस जगह पर होटवासी में, ये जगह होटवासी धुरुआ में पड़ता है, इस जगह को 32 एकड़ कहते हैं। इस जगह ने बहुत कुछ देखा। भानु प्रताप साई का भी यहीं पर जमीन थी जिसे ईडी ने अटैच किया था। अब सीओ साहब की एक जमीन 1.5 एकड़ का ये प्लॉट है, देख सकते हैं इटालियन तुलसी की खेती हो रही है। बड़ा सुंदर तस्वीर है, सीओ साहब ने इटालियन तुलसी की यहाँ पर खेती करवाई है। देखिए अंदर से वो दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर तस्वीर दिखा रहा। आप लोग क्या देखे, झारखंड वाले क्या देखे, इटालियन तुलसी देखिए, आज आपको दिखाते हैं बाकायदा इटालियन तुलसी की खेती। वाह, मतलब मन खुश हो गया। बताइए, ठीक है चोरी के पैसा से है लेकिन ठीक है, बनता ही है। दिखाइए इटालियन तुलसी हम लोग को अंदर घुस करके। ग्रीन हाउस टाइप का कुछ है ना, इसमें तो बहुत गर्मी होगा। आइए देखिए, बड़ा सुंदर तस्वीर है। बाप रे बाप, देख रहे हैं, ये आप लोग नहीं देखे होंगे, जन्म गदा उतार। ओहो, ये देखिए बड़ा सुंदर एकदम इटालियन तुलसी की खेती। तो ये कहाँ जाता है ये तुलसी? ये अभी तो मार्केटिंग नहीं हुआ है, यहीं पे है रखा हुआ, पुणे पुणे जाएगा। पुणे जाएगा ना, देख लीजिए इटली का तुलसी है ये, इटालियन तुलसी, इटालियन बेसिल कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर ही तो खेती एकदम की है, जबरदस्त खेती है। तो इसको पटाते उठाते कैसे हैं आप लोग? लगा हुआ है ना, पाइप से आता है पानी, वहाँ से गिरता है, फिर लाइन बाई लाइन इससे होते हुए। जब देख रहे हैं आप लोग, बाप दादा जमीन जिंदगी में नहीं देखे होंगे ऐसा। देख लीजिए दीपक, आप देखे नहीं? हम तो पहली बार, नाम ही सुन रहे पहली बार। देख लीजिए, यही प्रॉपर्टी गोविंदपुर के सीओ साहब का, सारा प्रॉपर्टी हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, अभी और भी प्रॉपर्टी दिखाना, उनके घर भी चलना है। तो ये तस्वीरें छोड़ दिया पिंटू, कितना दिखाई है। आइए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, देखिए इटालियन तुलसी है, देख लीजिए। हमारे पिंटू भी सहयोगी जो है इस चमक दमक में खो गए। तो कुल मिला के शशिभूषण बाबू का ये प्लॉट है जो उनकी पत्नी के नाम से है, और यहाँ पर वो इटालियन तुलसी की खेती करवा रहे हैं। तो ईडी वहाँ से आइए, इधर भी घूमिए, इटालियन तुलसी आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा है, अगर नहीं देखा तो एक बार आना चाहिए। हाँ, और आपको मैं ईचाक का ईटा भी दिखाता हूँ। देखिए पहले हम गलत जगह घुस गए थे लेकिन आप सही जगह घुसे हैं। देखिए ये RKS, ये ईटा जो है ये ईचाक का ईटा, ईचाक वही जगह है जहाँ पर शशिभूषण बाबू पहले पोस्टेड थे। ये देखिए RKS, ये भी ईडी को जांच करना चाहिए। RKS ये जो ईटा है, RKS ये ईटा जो है ये कहाँ का ईंट है, क्योंकि हमें जो जानकारी, ये जो ईंट लगी हुई है बाउंड्री में, ये ईंट ईचाक की है। ईचाक वही जगह है जहाँ पर शशिभूषण बाबू जो है वो पोस्टेड थे। ठीक है, और देखिए हम खोजते खोजते आखिर 32 एकड़ में पहुँच गए। इस जगह का ही नाम 32 एकड़ है, और यहाँ पर शशिभूषण बाबू का ये शानदार सा फार्म हाउस है जहाँ इटालियन तुलसी लगी हुई है, पेवर ब्लॉक लगा हुआ है नीचे में, शानदार सा जमीन भी दिखाइए, बहुत शानदार पेवर ब्लॉक वगैरह सब लगा हुआ है। कर्मी लोग हैं बेचारे लोग, सब काम करते हैं। तो कुल मिला करके ये तस्वीर हमने आपको दिखा दी है, इसको आंखों में भर लीजिए और कोशिश कीजिए कि ईडी अगर इसको देख सके, इटालियन तुलसी, तो एक बार देखें। बाकी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम थक गए हैं लेकिन अभी और प्रॉपर्टी बाकी है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। 5वें नंबर की तस्वीर भी आपको दिखानी है, ले चलेंगे आपको। स्पॉट नंबर 5, शशिभूषण सिंह के आज ईडी का छापा पड़ रहा है। मैं हवाई नगर में हूँ, मेरी दाहिनी तरफ एयरपोर्ट है, बाईं तरफ जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऊपर से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बोर्ड आप देखिए, द होम मेकिंग रियल एस्टेट इजियर, आप देख सकते हैं। इस द होम की अपनी कहानी है, मतलब काले धन को सफ़ेद कैसे किया जाता है इसकी अपनी कहानी है, मैं आपको वो बताता हूँ। दीपक सहयोगी मेरे साथ है, दीपक, काले धन को सफ़ेद करने का ये धंधा है कैसे? द होम, ये द होम है, ये रिटायर्ड इंजीनियर हैं सुनील जायसवाल, उन्हीं का है, और इसमें शशिभूषण सिंह के साले नीरज कुमार डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो ये जो ब्लैक
एंड वाइट का जो खेला है यहीं से होता है। यह कंपनी यहाँ पे आसपास के लोकेशन में चांदनी चौक, सिंह मोड़ और अन्य जगहों पर करीब 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और बताया जाता है कि इसमें जो काला धन है उसे वाइट करने का एक जरिया है ये दागों। बेसिकली ये रियल एस्टेट जी रियल एस्टेट की कंपनी है जिसमें शशिभूषण सिंह के साले डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो देखिए शशिभूषण सिंह के साले जो हैं वो इस रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर हैं। दीपक, शशिभूषण सिंह जब नामकुम मंचल में थे, नगड़ी अंचल की तो हमने दिखा दी तस्वीर, नामकुम मंचल में थे तो नामकुम मंचल में एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को लेकर के भी इनका बहुत बड़ा खेला। मतलब मुझे याद है मुझे कम से कम 10 लोग ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने शिकायत की है कि मुझसे इतने पैसे मांगे गए थे और इस कारण से हम लोगों का मुआवजा अटका दिया। जी, जब ये रातू अंचल में थे उसके बाद ये और मांझी गए, तब 2009-10 के आसपास ये नामकुम अंचल आ गए क्योंकि इन्हें मालूम था कि अब एयरपोर्ट की 350 एकड़ जमीन अधिग्रहित होने वाली है जो हेथू, हुंडरू, चंदा घासी और अन्य मौजा की थी, तो लगभग 400 करोड़ रुपया बतौर मुआवजा बांटा जाना था। तो इन्होंने खाता 30, खाता 13, खाता 18 ऐसे कई बेनामी रैयतों का जो है मुआवजा अपने नाम कर लिया जिनका वंशज कोई नहीं है। उन्हें बेनामी जो थे रजिस्टर टू खतियान देखकर इन्होंने करीब वहाँ पर 10-12 करोड़ रुपया की वहाँ पर मुआवजा अपने नाम से ही कर लिया। और कुछ लोग लखपति होते हैं, कुछ लोग करोड़पति होते हैं, इनको किस खाते में रखिए? ये अरबपति से कम नहीं है क्योंकि हम आज आपको एक बात बता रहे हैं कि एक डीएसपी है एसीबी में आरएन सिंह, वो इनका खाता खंगाल रहे थे और उन्होंने इन्हें बाद में क्लीन चिट दे दी। कैसे दे दी? उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम भी गीता देवी है। बताया जाता है कि इन्होंने कई जगहों पर उन्हें उपकृत किया और उनकी बेटी की शादी जो हरमू बाईपास रोड है उसमें एक सेलिब्रेशन हॉल है तो शादी का पूरा खर्च शशिभूषण सिंह ने वहन किया था और उस समय डीएसपी निशा मुर्मू हुआ करती थी जिन्होंने कह दिया कि इन पर आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनता है, एनओसी इन्होंने दिया था। अच्छा, एसीबी का भी इन पर छापा पड़ा था? एसीबी का भी छापा पड़ा था 2004-05 में। तब इन्होंने क्या किया था, अगल बगल या पीछे के जो फ्लैट थे उसमें सारा पैसा और फाइल फेंक दिया था तो एसीबी के छापे में मात्र 700 रुपया बरामद हुआ था अभिषेक। गजब की बात है। अभी अपडेट यह है, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए मैं थक गया हूँ, इतनी प्रॉपर्टी है, अभी 5वीं प्रॉपर्टी पहुँचे हम सुबह से लेकर अब तक, हिम्मत नहीं हो रही और कहीं कहीं की प्रॉपर्टी, कहाँ सिंगमोड़ और कहाँ कहाँ और कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं। रांची में बेनामी संपत्ति करीब होगी तो 30-40 होगी जो अभी एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए अब मेरी हालत नहीं रही है कि मैं और आपको तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन हाँ एक तस्वीर और दिखाऊंगा। ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई है, नोट की गिनती जारी है, तो आप समझ सकते हैं 25 लाख रुपए अब तक मिल चुके हैं और पैसा अभी वहां से मिलने की संभावना है। छठी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल 5वीं तस्वीर के साथ मैं अभिषेक भारती हूँ। छठी तस्वीर के लिए हम बगल के, यहीं बगल में उनका आवास है, वहां की भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जहां ईडी अभी छापेमारी कर रही है। आइए, देखिए ये आवास अपनी नजर में भर लीजिए। अब तस्वीर नंबर 6 और आज की फाइनल तस्वीर, चूंकि अब ताकत मेरे अंदर बची नहीं है कि मैं आपको और दिखाऊं, लेकिन इस तस्वीर को देखिए, यहाँ ईडी की रेड चल रही है। आपको बालकनी में नोट गिनते ईडी के अधिकारी दिख जाएंगे, वो देखिए वहाँ पर नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है और वहाँ पर आपको बालकनी में, सहयोगी थोड़ा सा फोकस करिए इस बालकनी पर, वहाँ पर कागजों को खंगाला जा रहा है और नोट को गिना जा रहा है, नोट गिनने की मशीन है। इस घर की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, इस घर की खास बात यह है कि अरगोड़ा अंचल की सीलिंग की जमीन पर यह घर बना हुआ है। पहली चीज, मतलब एक अंचल अधिकारी के पास कितना पावर होता है वो आप देख लीजिए, अरगोड़ा अंचल की सीलिंग की जमीन पर यह घर बना गया है। ऐसा ही कोई ऐसा कोई कमरा नहीं होगा इसमें जिसमें फॉल्स सीलिंग नहीं लगा हुआ है, ऐसा कोई कमरा नहीं है जिसमें एसी नहीं लगा गया है। मतलब एक आलीशान घर में हर वो सुख, हर वो सुविधा जो आप उम्मीद करते हो, वो तमाम चीजें इस घर में मौजूद है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये मौजूदा अंचलाधिकारी गोविंदपुर के शशिभूषण सिंह, उनका आवास है।
कहा जा रहा है कि मंडरो में जो पत्थर का खनन हुआ, अवैध पत्थर खनन, वहां से आए पैसे से अभी मौजूदा में नया नया एसी जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। टीवी 45 ने बहुत प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी कि मंडरो में पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, गोविंदपुर अंचल के तहत ही ये मंडरो आता है। अभी फिलहाल ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और अंदर में बाकायदा कागजों की जांच पड़ताल तमाम चीज़ें आपको दिख रही होंगी। गार्ड्स मुस्तैद हैं, आपको दिख रहे होंगे पुलिसकर्मी जो हैं, केंद्र से प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, या शायद जैप के जमाने में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता है, दोनों तरफ जवान है, न कोई अंदर जा सकता है न कोई बाहर आ सकता है। ये आज की छठी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ईडी की जो कार्रवाई है क्या वो किसी भी तरीके से गलत है, क्या ईडी को ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्या झारखंड को लूटने वाले ऐसे लोगों पर एक्शन गलत है। सोचिए कि अभी हमने आपको 6 ही तस्वीर दिखाई है, अभी मुझे लगता है कम से कम 20 से ज़्यादा तस्वीरें बाकी हैं, लेकिन चूंकि अब दिन ढलने वाला है और ताकत शरीर जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है कि अब और हम आपको दिखाएं, तो आज हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ईडी को हमसे जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, एविडेंस की ज़रूरत हो, हम उन्हें सौंपने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। सहयोगी पिंटू के साथ